नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 5 अगस्त से हमारी पेड क्लासेस शुरू हो चुकी थी और तब से लेकर अब तक हम रिसर्च टॉपिक कर रहे हैं। और इन 15 दिनों में दोस्तों हमने बहुत अच्छे से स्टडी करने की कोशिश की है, रिसर्च को समझने की कोशिश की है, इसके हर एक टॉपिक को बारीक से समझने की कोशिश की है। और जैसे आपने देखा होगा कि सुबह जो वीडियो होती थी वो हमारी थ्योरेटिकल होती थी और इवनिंग की जो वीडियो होती थी उसमें हम सुबह जो पढ़ाया उसी का हम मॉक टेस्ट लेते थे। यानी कि हमारी तरफ से हर संभव कोशिश रही है दोस्तों कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। और हमने लगभग सारे के सारे टॉपिक जो है कंप्लीट कर दिए 15 दिनों में, जैसे कि व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च के टाइप किए, सैम्पलिंग की, स्केल किए, रिसर्च एथिक्स किए, और थीसिस राइटिंग के स्टाइल हमने किए, फॉर्मेट वगैरह किए। तो लगभग हमारे सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। और अगर ऐसे देखा जाए रिसर्च तो दोस्तों बहुत बड़ी रिसर्च है, इसे हम 3 महीने में भी कंप्लीट नहीं कर सकते। इसमें और भी बहुत छोटे 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 टॉपिक रह जाते हैं, लेकिन हमारे जो UGC नेट में जो कंपलसरी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो सभी टॉपिक हमने आज तक किए हैं। और दोस्तों, अगर आपको अभी भी कुछ लगता है कि हमारा ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो आप हमसे बता सकते हैं। और किसी दोस्त ने अभी तक हमारी पूरी वीडियोस नहीं देखी है तो वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, हमारी जितनी भी वीडियो आई है आज तक रिसर्च के ऊपर वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देखिए कि कौन कौन से टॉपिक हमने करवाए हैं और ऐसा कौन सा टॉपिक रहा हुआ है जो हमें करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई भी टॉपिक अभी तक समझ में नहीं आया है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, एक लिंक है उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करते ही हमारे पास आपका मैसेज आ जाएगा। तो जिसका भी जो भी सवाल है वो हमसे बताइए। आज जो कल की जो वीडियो होगी दोस्तों, सुबह की जो वीडियो होगी, उसके अंदर हम आपके सभी डाउट क्लियर करेंगे। और उसके बाद में कल इवनिंग की जो वीडियो होगी दोस्तों, उसके अंदर हम एक बड़ा मॉक टेस्ट लेंगे, 20 से 25 नंबर का मॉक टेस्ट लेंगे। उसके अंदर देखेंगे कि हम आपने क्या सीखा है और आपकी कहाँ तक कमी रही है। तो आपका जो भी सवाल है जल्दी से जल्दी हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, जिन लोगों ने हमारी पूरी वीडियोस देखी, रिसर्च की आज तक पूरी प्लेलिस्ट देखी है, तो वो प्लीज़ हमें ये बताइए कि आपको हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा लगा, और रिसर्च में आपको कितना क्या कुछ समझ में आया, और इवनिंग को जो हम मॉक टेस्ट लेते थे वो आपको कितना अच्छा लगा, कितना इफ़ेक्टिव रहा, तो वो चीज़ें हमें बताइए ताकि हमें हमारी कमियां भी पता चले और हमें हमारे जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी हमें पता चले। तो आपके जो भी विचार है, आप जो भी हमारे बारे में सोचते हैं वो हमें ज़रूर बताना, जिससे हमें अपने बारे में पता चले कि हमें आगे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए और पीछे हम किस तरीके से पढ़ा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगर आपको हमारी वीडियो भी अच्छी लगी है तो एटलीस्ट लाइक ज़रूर करना दोस्तों, जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ हैं वो अच्छी लगी हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और दोस्तों, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि देखिए, जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहे हैं वो सभी के सभी ये चाहते हैं कि उनका नेट और JRF हो जाए, सभी ये चाहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको नेट या JRF क्वालिफाई करना है तो एक चीज़ आप ध्यान से नोट कर लीजिए दोस्तों, कि आपको हिंदी और इंग्लिश में समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कहीं पे इंग्लिश में दिया हुआ तो आप में कुछ एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसे इंग्लिश में पढ़ सकें। आप बिल्कुल बिल्कुल हिंदी के ऊपर डिपेंड होके मत चलिए और बिल्कुल ही इंग्लिश के ऊपर भी डिपेंड होके मत चलिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट आए, काफ़ी दोस्त आए, वो कहते हैं कि सर मेरे को बिल्कुल यानी कि केवल इंग्लिश से समझ में आते हैं। जैसे साउथ इंडिया के जो दोस्त हैं उनके मेरे पास मैसेज आए थे, वो बोले कि सर हमें हिंदी समझ में नहीं आती। तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नेट या JRF क्वालिफाई करना है तो आप थोड़ी अपने आप में योग्यता लेके आप समझने की कोशिश कीजिए हिंदी को भी। और सेम टू सेम यही बात हमारे जो हिंदी के दोस्त हैं उनके भी मेरे पास मैसेज आए हैं कि वो कह रहे हैं कि सर जो नोट्स हैं वो पूरे हिंदी में होने चाहिए, पूरे हिंदी में होने चाहिए। नहीं,
क्योंकि देखिए आप जब एग्जाम करते हो तो एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमें हिंदी में समझ में नहीं आते, और उसे हम फिर कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, ट्रांसलेट करके देखते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आता है इंग्लिश में, देख के उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो आप दोनों लैंग्वेज का यूज़ कीजिए, ठीक। हमने जो पीछे जो नोट्स डाले हैं आज तक, थ्योरी नोट्स डाले हैं और मॉक टेस्ट जो डाले हैं, उनमें 80% हमारी हिंदी थी और 20 से 30% इंग्लिश हम कह सकते हैं। तो आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। और एक चीज़, जैसे कि मैंने बताया कई नोट्स ऐसे भी हैं जो आपको बिल्कुल इंग्लिश में मिलेंगे हमारे, और वो हमने आपको हिंदी में समझाने की कोशिश की है, तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। और किसी दोस्त को अगर फिर भी समझ में नहीं आया कि इंग्लिश में ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, या फिर हिंदी में भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसी टाइम हमारे पास एक वॉइस मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप के जरिए एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिए कि सर मुझे आज के इस टॉपिक में मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये आप हमें बता दीजिए। हम आपको कुछ समय बाद उसको समझ आपके क्वेश्चन को देख के और आपका रिप्लाई देंगे ऑडियो के जरिए ही। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अब भी आपको यही करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो भी आपके मन में, वो आप हमें भेजना। और कल की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम सुबह जो होगा वो डिस्कशन करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके जवाब देंगे हम। और इवनिंग की जो वीडियो होगी दोस्तों कल की, उसके अंदर हम आपका एक बड़ा मॉक टेस्ट लेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि आपको कितना कुछ आता है। और जो हमारे पेड मेंबर हैं उनको मैं बता दूं कि जो हमारे 2012 से लेकर 2019 तक जो भी रिसर्च के क्वेश्चन आए वो आपको पीडीएफ कल दे दी जाएगी। उसके अंदर, उस पीडीएफ में आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे 2012 से लेकर जून 2019 तक। और अगर किसी और दोस्त को वो पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं, वो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।